हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित आ गया हूँ आज एक नया वीडियो एक नया टॉपिक पे लेकर के। तो ये जो टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक पे मैंने 4 दिन पहले ही वीडियोस बनाई थी, बट इतनी ट्रेंडिंग में ये चीज़ें चल रही हैं कि इस पे वीडियोस बनाने बहुत ज़रूरी हैं। टॉपिक ये है कि अरुण भैया की जो गाड़ी आपने देखा होगा, जो वीडियोज इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, जो सनरूफ से पानी आ जाता है, तो उसमें क्या गलती है अरुण भैया की और क्या गलती है महिंद्रा की। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे और हम दोनों लोगों को हम एक्सपोज करेंगे कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से ये आजकल ट्रेंडिंग में है और लोग ढेर सारी वीडियोज इस पे बना रहे हैं। हम क्यों इसमें पीछे रहे हैं? क्योंकि स्पेशली हमारा जो चैनल है वो स्कॉर्पियो एन बेस्ड ही है। हम अभी तक जितनी वीडियो हमारी आती हैं, हम सभी लोग स्कॉर्पियो एन पे ही वीडियो बनाते हैं। तो हम क्यों इससे अछूते रहे हैं? क्योंकि मैंने इस पे तो 4 दिन पहले ही वीडियोस बना दी थी, बट ये प्रॉपर एकदम वीडियोस अरुण भैया को एक्सपोज करना और महिंद्रा को भी साथ साथ एक्सपोज करना कि दोनों की गलती क्या थी, और बिल्कुल जो जस्टिफाइड वीडियो मिलती है, जो एकदम ट्रुथ वीडियो है, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अरुण भैया ने जानबूझ के गाड़ी पीछे करके वो झरने में ऐसे की, और क्योंकि उसमें पानी टपकाना उनका मतलब वो सोच करके ऐसे की, उन्होंने कंटेंट के लिए कि ऐसे किया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई जानबूझ करके अपनी 26 लाख रुपए की गाड़ी ऐसे पानी में नहीं भिगोएगा, ना वो अपनी चीज़ें खराब करेगा जो इतनी मेहनत से। बट कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि उनकी मेहनत, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत हैं, यूट्यूब से आते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक वीडियो पे कितनी मेहनत लगती है वो अरुण भैया जानते होंगे। वो चाहे अभी कितने बड़े यूट्यूबर हो गए हों, अभी भी उनकी वीडियोस कितनी तेजी से चल जाती हों, बट उन्होंने जो पहले मेहनत जो की है वो चीज़ें अपनी जगह हैं, उसकी वजह से आज वो यहाँ पे स्टैंड है। तो कोई किसी के पास कितना भी पैसा हो, कोई पानी में अपना पैसा नहीं बहाता है। तो गलती उनकी वहाँ पे नहीं थी, गलती उनकी ये थी कि उनको ध्यान देना चाहिए कि आप किसी झरने पे, आप एक फ्लो पे 40 से 50 फीट ऊंचे झरने पे आप अपनी गाड़ी लगाएंगे और आप सोचेंगे कि थार की तरह इसमें भी ऐसा ना हो, थार की तरह भी सेम ये बिहेव करे, तो ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो क्योंकि एक ग्लास है, पानी ऐसी चीज़ होती है वो अपनी जगह ढूंढ लेती है, और वो उतनी हाइट से गिरना बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है। उसकी बाद वो रबड़ जो है आपका वो थोड़ा सा फैल गया, उसकी वजह से पानी अंदर आने लगे। तो ये चीज़ें तो थी अरुण भैया की गलती। और फिर उन्होंने गलती ये भी की, मुझे बहुत बेकार लगी। वो स्टार्टिंग में तो पहले ये बोलते हैं अपनी वीडियोज में कि नहीं, महिंद्रा बहुत अच्छा, मुझे ये लगा कि महिंद्रा एक वीडियो मेरे बनाने से मुझे ये चीज़ करके दिखाया कि वहाँ अपनी गाड़ी भेजी, वीडियो बनाया और उसको दिखाया। फिर उसके बाद आगे वीडियो में ये बोलते हैं कि नहीं, उनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब चीज़ें। तो आप पहले तो ये भी बोल रहे हो कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, फिर उस चीज़ को आप बेकार भी बोल रहे हो। तो कि महिंद्रा ने अब एक वीडियो बना के सेम उसी झरने पे, सेम उसी जगह पे ड्रॉप करा करके झरने के नीचे पानी, झरने के नीचे गाड़ी रख करके कि देखिए ये मेरी गाड़ी है और ये ऐसी नहीं हो रही है, ये सिर्फ आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो अरुण भैया ने भी सेम चीज़ें कही थी कि ये सिर्फ मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अरुण भैया खुद अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि उन्होंने ये कही थी कि ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है। ऐसा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये सब गाड़ी स्कॉर्पियो जितनी है सब में प्रॉब्लम है। तो चीज़ें ये हैं कि महिंद्रा को ऐसी वीडियोज नहीं बनानी चाहिए थी जो उन्होंने वीडियोज बनाई। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप उनसे तुरंत कांटेक्ट करते, उनकी 5 दिन पहले शॉर्ट वीडियो आई थी जिसके नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। तो आप उनसे कांटेक्ट करते, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप उनसे तुरंत कांटेक्ट करते कि मैं चीज़ें आपकी पहले सही करूं। महिंद्रा को ये करना चाहिए था कि आपकी सनरूफ खराब हो गई होगी, आपके वहां पे पानी नहीं गिर के सब चीज़ें भीग गई होगी, हो सकता है कुछ फॉल्ट हो गया हो। महिंद्रा को उनसे कॉन्टैक्ट करके उनकी गाड़ी पहले सही करानी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं ना। अरुण भैया इन चीज़ों को इतना एक्सट्रीम लेके जाते ना, उनको ये बोलते और ना अरुण भैया को लोग ऐसे बोलते, क्योंकि जो बहुत सारे महिंद्रा लवर्स हैं स्कॉर्पियो, लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों ने बुक की है, तो सब प्यार करते हैं स्कॉर्पियो, उनको लोग चाहते हैं खरीदना। तो अगर वो उसके नेगेटिव बातों को अगर देखेंगे तो उनको हेट होगा, उनको बुरा लगेगा। तो अरुण भैया को बहुत सारे लोगों ने हेट किया इसकी वजह से। महिंद्रा को नॉर्मल सी बात ये सोचनी चाहिए थी कि मुझे आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान देना है, ये नहीं ध्यान देना है कि किसी बड़े यूट्यूबर ने ये चीज़ बोल दी तो मैं उस चीज़ को अपने को प्रूफ करने के लिए वहाँ पे गाड़ी ले जाकर के ये चीज़ें दिखाऊं। तो ये चीज़ें महिंद्रा की बिल्कुल गलत थी। महिंद्रा को उसी समय सडन, वो जहाँ भी थे स्पीति थे, नेक्स्ट डे उसके बाद वो नीचे उतरे, स्पीति से नीचे वो आए, तो उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए था। उनसे कॉन्टैक्ट करके पहले उनकी गाड़ी के सनरूफ ठीक कराते
उनको आप अच्छी सेल सर्विस देते, उनको सर्विस आप अच्छी देते, वो ऐसी वीडियोस दोबारा बनाते ही नहीं। वो बोलते कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दी कि इतनी ऊपर से हाइट से पानी गिर रहा है, मैंने सोचा कि थार जैसी, थार का तो रूफ जो है वो पूरा लोहे का है, उस पर पानी गिरेगी तो वो क्या होगा, बहुत होगा, बैंड होगा। तो ये चीज़ें अब काफ़ी आगे तक जाने वाली हैं, अरुण वर्सेस महिंद्रा, तो देखते हैं ये चीज़ें कहाँ तक जाती है। बट मैंने जो भी पॉइंट कवर की हैं ये बिल्कुल सही मैंने कवर किए हैं, जो ट्रुथ था मैंने वो कवर किया है, मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया उस तरीके से, जो उनकी गलती थी मैंने उस गलतियों को बताया है। ये चीज़ें थी, अरुण भाई की भी कहीं कुछ गलतियाँ थी जो उन्होंने की, और महिंद्रा की तो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ थी, कि आपको उस जगह पे आपको अरुण भैया से कांटेक्ट करके उनकी गाड़ी आपको ठीक करानी चाहिए थी। तो ये इतनी इतनी आगे चीज़ें ये नहीं बढ़ती, अब जितनी आगे ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बात से आप एग्री करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और आगे शेयर करिएगा कि लोग भी जाने कि जो सच्चाई है वो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में। वैसे मे भी हो सकता है कि अभी एक जस्ट एक वीडियो आएगी जो महिंद्रा को और अच्छे से एक्सपोज करेगा, वो वीडियो आप जरूर देखें, वो आपकी डिलीवरी को लेकर के आने वाली है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं कल किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, जय हिंद।